सो हे गाइस, हम बात कर रहे हैं आदि पुरुष के बारे में। तो गाइस बात नहीं करने वाले, लाइक मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, लाइक उनका रिएक्शन क्या था इस आफ्टर मूवी देखने के बाद। तो गाइस उसका रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा करके। सो बिना डिले के चलिए मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। स्ट्रेटेजी के हिसाब से आदि पुरुष नाम रखा है, बिकॉज इवन फिल्म में भी राम सीता हनुमान ये यूज ही नहीं किए वर्ड। राम की जगह पर राघव बोला है, सीता की जगह पर जानकी बोला है, हनुमान की जगह पर बजरंग बोला है। पता नहीं, आई डोंट नो अभी रियल नाम क्यों यूज नहीं किए। कुछ नहीं गाइस, आदि पुरुष देख के आया हूं तो रावण का स्वैग पिक कर लिया मैंने भी भाई। पूरी पिक्चर में ऐसे चले ऐसे चोरी करके बाहे और बचा कुछ जो सीजीआई और वीएफएक्स से कर दिया है, इतना वियर्ड लगता है मैं क्या बताऊं। लेकिन गाइस देखो, एक चीज मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि मैं छपरी हूं ना भाई का हेयर स्टाइल यार हमने आज तक सुना और पढ़ा कि रावण जो है बहुत ही ज्यादा विद्वान राजा था। बॉलीवुड वालों ने तो उसे बहुत बड़ा छपरियों का राजा बना दिया। कौन से जावेद हबीब के चाचा से कटवाए हैं नेपाली, ये तो बताओ मुझे। गाइस मैंने सोचा था चल के रामायण देख के आते हैं, भगवान को राम जी को याद करेंगे चल के। इन्होंने नानी याद दिलवा दी है मेरी थिएटर में बैठे बैठे मुझे भाई इतनी बुरी पिक्चर बनाई है ना इन्होंने, इतनी बुरी पिक्चर बनाई है, मेरा रोने का मन कर रहा है कैमरे के आगे बैठ के। भाई ना बगीचा है कह रहे जो हवा खाने चलाया, कपड़े तेरे बाप के, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, सब लोग वीएफएक्स को लेके खुद को ऐसा पकड़ के बैठे थे, ये डायलॉग्स कहाँ से आ गए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पिक्चर की, जो एक्टर्स को कास्ट किया है और कास्ट करने के बाद जो लुक दिया है, टीजर ट्रेलर देखकर अंदाजा लग रहा था, पूरी पिक्चर देखने के बाद कंफर्म हो गया कि प्रभास को एज लॉर्ड राम नहीं लेना चाहिए था। लेने के बाद मूवी के मेकर्स ने जो लुक उनका तैयार किया है वो नहीं सूट होता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती, लेकिन कुछ रोल्स होते हैं जो कि एक्टर्स नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल आगे चल के मैं और दूंगा। टीजर ट्रेलर में उनका ये वाला रूप देखकर फिर भी थोड़ा बहुत आदत ही हो गई थी, लेकिन पिक्चर के अंदर एक फ्लैशबैक दिखाया, ये रही फोटो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले से ही ऐसा बोल रहे थे और सबका फोकस प्रभास के ऊपर।